मैं क्या बोलूं, मतलब ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों के बारे में। और ये मुझे लगता है कि ये पढ़ाई से नहीं, ये एडुकेशन से आता है। अगर आपको घर पे ये सीख मिली है कि आप कहीं भी बैठे हैं, मतलब मुझे मेरी माँ ने बहुत बचपन में एक बात बोली थी, कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना तो दुम हिलाकर साफ करके बैठता है। लेकिन हम लोग भूल गए हैं। जब मैं बाकी कंट्रीज़ में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर साफ़ सफाई पे कितना ध्यान दिया जाता है, या लोग कितने कॉन्शियस रहते हैं एनवायरनमेंट को लेकर। एनवायरनमेंट इतना बड़ा इशू बन गया है कि आप ये सोचिए कि लियोनार्डो डिकैप्रियो चेन्नई के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हिंदुस्तानी होकर हम लोग उस मामले को इग्नोर करेंगे और बाकी देश के इतने बड़े सुपरस्टार उस बारे में ट्वीट करेंगे, और हम लोग बिल्कुल ओब्लिवियस रहेंगे क्योंकि हम लोग इतने बिजी हैं 9 to 5 जॉब्स करने में, पैसे छापने में, पर हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जो पानी की किल्लत वहाँ हो रही है वो बहुत जल्द बॉम्बे में भी हो सकती है। आप लोगों के घरों में शायद पानी ना मिले, हम लोग को शायद नहाने के लिए पीने तक के लिए पानी ना मिले। तो फिर अगर हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, सो दिस इज़ द बिगेस्ट क्राइसिस वी आर फेसिंग राइट नाउ। एंड आई थिंक एज अ ह्यूमन रेस, अगर हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारे जीने का फ़ायदा क्या है। चंदन के साथ मैंने एक काम किया, एक शॉर्ट फिल्म किया जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, और उसके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। चंदन इज़ लाइक ही इज़ लाइक दिस पावर हाउस ऑफ, लाइक वो पागल है। मुझे लगता है कि ही जस्ट डज थिंग्स यू नो इन अ सीन जो कभी आपको बताता नहीं है। ही सडनली टेक्स यू बाय सरप्राइज, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेट अबाउट हिम एज एन एक्टर। मुझे बहुत मज़ा आया था उसके साथ काम करके। सो व्हेन चंदन मैसेज मी दैट उसकी फिल्म हो रही है तो मैं काम कर रही हूँ। आई थिंक अभी उसकी मार्केटिंग फिलहाल शुरू हो रही है, उसकी इतनी धड़ल्ले से मार्केटिंग नहीं की जिस तरह जी करता है। एंड बट बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, फुटबॉल पे बन रही है। फुटबॉल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे जो भी फुटबॉल के बारे में आज तक पता चला है या जो भी पता हुआ है मेरा, जो मेरी नॉलेज है उसके बारे में, वो मुझे मेरे भाई से मिली है। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है और उसने पूरी लाइफ सिर्फ फुटबॉल मैचेस देखे हैं। मतलब वो इंडियन क्रिकेट पे इतना ध्यान नहीं देता जितना फुटबॉल पे ध्यान देता है। तो उसकी वजह से मुझे फुटबॉल में एक रोमांच पैदा हुआ है। और जब मुझे जी का सामने से कॉल आया, उन्होंने कहा कि फुटबॉल पे सीरीज़ बना रहे हैं, मैंने कहा लो सब लोग क्रिकेट पे बनाते हैं, आप लोग फुटबॉल पे बना रहे हो, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड। तो आई थिंक उसको उसी तरह सराहाया जाए जिस तरह उसको बनाया गया है। सो लुकिंग फॉरवर्ड, कोई धक्का ना पहुँचे सबके अरमानों पर। बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मेरे घर में भी होता है। मेरे घर में सुबह से टीवी चालू रहता है। तो या आई होप कि प्राइसेस मतलब जीने लायक हो, पानी महंगा ना कर दें, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत सालों में हमारे पास पानी नहीं बचेगा, और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ और डर पानी को लेकर ही होता है। आई होप दे आर नाइस टू अस। एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई थिंक ऑटो ड्राइवर्स आर द वंस जो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन फेस करते हैं, और वो सबसे लीस्ट पोल्यूशन देते हैं बिकॉज CNG यूज़ करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम दोनों सेकेंड एपिसोड में हैं। सो एक्साइटेड टू वॉच। और बताने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब जिस तरह से बताया जा रहा है, बातें बताई जा रही हैं इस चीज़ में, वो बहुत कमाल की हैं। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। हत्सु जी मस्त मौला कैरेक्टर हैं, और सोचते हैं, उनकी सोच अच्छी है, सोच बड़ी है, और वो काफ़ी चीज़ें अच्छी बताना चाहते हैं लेकिन अच्छे तरीके से, फ़नी वे में, कुछ अपने अंदाज से। एक्साइटेड से ज़्यादा नर्वस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी इतने टाइम से बन रहा था, फाइनली आ चुका है, तो अब पता चलेगा लोग रिएक्शंस देंगे क्या होगा, ये तो पता चलेगा। और बहुत सही टाइम पे सीरीज़ आई है, जब हम लोग क्लाइमेट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि चेन्नई में क्या हो रहा है, पानी किस कैसिटी है, तो ये सीरीज़ एक तरह से बहुत एंटरटेनमेंट तरीके से हम लोगों ने ये मैसेज छोड़ने की कोशिश की है, और आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगी ये सीरीज़। चंदन वैसे भी एक बहुत बेहतरीन एक्टर है, मतलब, और जिस तरह से वो एक कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से सब लोगों को एक कैरेक्टर से कनेक्शन होता है, कि आप कैरेक्टर्स को हमेशा याद रखते हो कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा। तो बिल्कुल चंदन को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा लोगों में, वी आर वेरी श्योर अबाउट। एज यू नो हवा बदले हंसू है, तो हमारे कैरेक्टर चंदन भी हंसू बने हैं, तो हमारे लिए काफ़ी एक मैस्कॉट था कि मैस्कॉट ऑफ चेंजिंग कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो बिल्कुल आप देखो, बहुत अच्छा लगेगा।